नवरात्र के पावन पर्व पर संस्कारधानी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में नौदरा ब्रिज के समीप स्थित प्राचीन गौड़कालीन मरही माता मंदिर से मां भगवती की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मां की पालकी के साथ शामिल देवी देवताओं की नयनाभिराम झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। नवरात्र के पावन पर्व पर संस्कारधानी धर्मधानी बन गई है। जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन और शोभा यात्राओं का क्रम जारी है। इसी कड़ी में नौदरा ब्रिज स्थित प्राचीन गौड़कालीन मरही माता मंदिर से मां भगवती की पालकी शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में मां भगवती की पंचधातु की प्रतिमा पालकी पर विराजमान थी। इसके साथ ही देवी देवताओं की झांकियाँ भी शोभा यात्रा में शामिल थी। श्रद्धालुओं ने बताया कि वर्ष में एक बार मां भगवती की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। वर्ष जो है 12वां वर्ष है और इस महाआरती और चल यात्रा में हमारे क्षेत्रीय सभी भक्तजन मां के सभी शक्तियां उपस्थित होकर चल समारोह पर बड़े भव्यता के साथ में पूरा शहर में भ्रमण करते हुए पुनः यहीं मंदिर प्रांगण पे आकर महाआरती का समापन होता है और लगातार ये कार्य विगत 3-4 दिवस तक कार्यक्रम आयोजित होता है। आखिरी कार्यक्रम हवन और कन्या भोज के साथ में कार्य पूर्ण होता है। विशाल महाआरती पालकी एवं रथ यात्रा चल समारोह शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि माता मरही की पूरे जबलपुर संस्कारधानी में इकलौती यात्रा या इस मंदिर से निकाली जाती है। एक साल तक मंदिर के अंदर रहने के बाद जो पंचधातु की माँ भगवती की मूर्ति है वो पालकी में विराजमान होकर लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ से निकलती हैं। जगह जगह माँ भगवती का स्वागत अर्चन किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुड़ते हैं। पालकी शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया और पालकी पर विराजमान माँ भगवती का पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया।